Assalamu alaikum viewers, this is me Umay Khan, UK from Pak. Aapka mera rahega saath with another quick and easy recipe of mine. So let's get started. In the name of Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही देसी स्टाइल की बहुत ही क्विक एंड इजी सी चिकन कढ़ाई. उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक पैन लेना है जिसमें मैंने 1 कप ऑफ ऑयल ऐड किया है. इसको थोड़ा सा हम लोग गर्म होने का वेट करेंगे और उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है 1 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट, यानी कि लहसुन का पेस्ट हम लोगों ने इसमें ऐड करना है. अगर आप लोगों को लहसुन चॉप फॉर्म में पसंद है तो इसको फाइनली चॉप करके भी आप लोग ऐड कर सकते हैं. अगर पेस्ट फॉर्म में पसंद है तो आप लोग इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, टोटली अप टू यू. इसको हम लोगों ने थोड़ा सा सोते करना है और इसके बाद इसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है. अगर आप लोगों को ज़ीरा का फ्लेवर ऐड नहीं करना है, इसका फ्लेवर आप लोगों को पसंद नहीं है, तो आप लोग ये स्किप भी कर सकते हैं. और इसकी जगह आप लोग अगर चाहें तो आप लोग भुना और कूटा ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं. इन दोनों अज़ा को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए सौते करना है हल्की आंच पे, यानी कि हम लोगों ने थोड़ी देर इनको फ्राई करना है. थोड़ा सा इनका खुशबू जब आने लगे लहसुन और ज़ीरे की कड़कड़ाने की और आवाज़ आए और इसकी जो खुशबू होती है एक पर्टिकुलर वो आ जाए, तो अब उसके बाद हम लोगों ने इसमें 1/2 kg साफ और वॉश किया हुआ हम लोगों ने इसमें चिकन ऐड करना है, जिसको हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी देर 5 to 10 minutes कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का, और जो इसका अपनी थोड़ी बहुत एट टाइम्स ऐसा होता है कि इसमें स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए. इसके बाद हम लोगों ने इसमें सॉल्ट ऐड करना है. मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है. आप लोग चाहें तो सॉल्ट की क्वान्टिटी अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं. एज यू कैन सी कि यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो गया है. जितनी अच्छी चिकन की भुनाई होगी उतना ही अच्छा जो है वो चिकन का एंड में फाइनल टेस्ट आएगा. अब इसके अंदर हम लोगों ने 1 कप फाइनली चॉप टोमेटोज ऐड करने हैं. मैं यहाँ पर फ्रोजन टोमेटोज ऐड कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल टोमेटोज भी ऐड कर सकते हैं. इसके बाद मैंने यहाँ पर 8 to 10 ग्रीन चिलीज ऐड की हैं. अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर यानी कि पिसी काली मिर्च ऐड की है. आप तमाम अज़ा की क्वांटिटी अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं. इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें. साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया यानी कि कुटी लाल मिर्च ऐड की है. तमाम अज़ा को अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स करना है और 10 मिनट्स के लिए कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है. एज यू कैन सी 10 मिनट्स के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक किया है तो इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है. टोमेटोज और ग्रीन चिली जो है वो सॉफ्ट हो गई हैं. अब इसमें 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करना है और इसको मिक्स करना है. आप लोग तमाम स्टेप जो हैं वो गौर से नोट डाउन कर लें. अब मैंने इसमें 1 कप ऑफ योगर्ट यानी कि दही ऐड किया है, 1/2 कप या 1 कप जितना जैसा फ्लेवर आपको पसंद है या जितनी आप लोगों को ग्रेवी चाहिए. और इसको मज़ीद मैंने 5 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक किया है. अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर फाइनली चॉप्ड हरा धनिया और 2 से 3 ग्रीन चिली जो हैं जिनको मैंने गोल गोल कट करके वो ऐड किया है. अब मैंने इसमें लास्ट में 1 लेमन का जो है वो जूस ऐड किया है. एक एज यू कैन सी कि लेमन के अंदर से इतना जूस निकला था, अबाउट 1 टीस्पून वो मैंने ऐड किया है. इसको मिक्स किया है. एंड में हम लोगों ने इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है और हमारी ज़बरदस्ती होममेड चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी है. आप इसको इस तरह से लंबे लंबे जिंजर के स्लाइसेस यानी कि अदरक के स्लाइसेस से और ग्रीन चिलीज और हरा धनिया से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं.
ये रोगनी नान हो उनके साथ बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर आता है, और जो सादे नान होते हैं उनके साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, चपाती के साथ भी बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। डू ट्राई इट एट योर होम, और उम्मीद करती हूँ जस्ट लाइक माई प्रीवियस वीडियोज, माई प्रीवियस रेसिपीज, मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। दिस इज मी उमे खान साइनिंग ऑफ यूके फ्रॉम पाक, आपका मेरा रहेगा साथ। अल्लाह हाफिज़।